नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार अब मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगी। मेघा परमार ने 9 मई को कमलनाथ की मौजूदगी में छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद कल शाम को मध्य प्रदेश सरकार ने मेघा परमार को ये ब्रांड एम्बेसडरशिप से हटाने का ऑर्डर थमा दिया। ऐसा संभवतः इसीलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और 9 मई को ही कमलनाथ ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या एक ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन करने के बाद मेघा परमार एलिजिबल नहीं रहती है ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, या मध्य प्रदेश सरकार ने उनको ब्रांड एम्बेसडर से हटा करके एक सेल्फ गोल किया है क्योंकि एक वो मध्य प्रदेश की बेटी हैं और अचीवर तो हैं ही हैं क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। और एक सवाल ये भी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहन योजना है उसको आने वाले चुनावों में कमलनाथ की महिला सम्मान योजना क्या काट पाएगी। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल यही है कि मेघा परमार को माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइम किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक मध्य प्रदेश की फ्लैगशिप योजना है, बच्चियों को आगे बढ़ाना है, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर थी, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो क्या वो एलिजिबल नहीं रहती है ब्रांड एम्बेसडर रहने के लिए? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ऐसा वर्गीकरण कर रही है। मेघा परमार को हटाए जाने से एक सवाल उठता है कि ये जो लाडली बहना योजना चल रही है उस योजना में भी कहीं सरकार ये तो नहीं देख रही है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको लाभ मिलेगा और जो दूसरे दलों के हैं जिनकी राय आपसे नहीं मिलती है। इस फैसले ने सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार की लाडली बहना योजना पर लगाया है क्योंकि मेघा परमार का दोष क्या है? वो युवा है, उसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और उसकी अपनी इच्छा है, वो किसी भी दल के साथ खड़ी हो सकती है। सरकार की योजना का अगर वो ब्रांड एम्बेसडर थी तो उसको पहले विचार करना चाहिए इनको कि भाई कोई लड़की अघोषित रूप से तो ये हुआ कि आपकी बंदिश में आ गई वो। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, एक आर्गुमेंट ये भी है कि क्योंकि चुनाव सर पर है और मेघा परमार ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, वो शिवराज सिंह चौहान की होम डिस्ट्रिक्ट सीहोर से भी आती हैं, मैं वही कह रहा जा रहा कि वो कांग्रेस की कैंडिडेट भी हो सकती है इछावर से, तो अगर कांग्रेस की कैंडिडेट वो होने जा रही है तो क्या सरकार ने विद इन इट्स राइट्स मतलब सही डिसीजन नहीं लिया उनको हटा के? नहीं, सरकार ने जितनी जल्दबाजी की है, अभी 6 महीने बड़े हैं चुनाव आने में, कांग्रेस की कैंडिडेट अगर वो डिक्लेयर हो जाती उसके बाद ये किया जाता है तो कोई बात नहीं है क्योंकि भाई राजनीतिक है, सरकार के ब्रांड, सरकार बीजेपी के और उसके विचारधारा के लोग ही उसके साथ रहेंगे, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। सरकार के लिए सरकार के पदों पर बैठे लोग सरकार की विचारधारा के अनुरूप, ये ब्रांड एम्बेसडर कोई वैसा पद नहीं है, स्वेच्छा से आपने उसकी योग्यता पर दिया है। अब उसकी योग्यता पर आपने पद दिया, अब आप चाहते हैं वो आपकी विचारधारा माने, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। ये इस तरह से इसने सरकार की एक तरह की पनिशमेंट हो गई, आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो हमने हटा दिया आपको। नहीं, ये पनिशमेंट के साथ साथ इसने सबसे बड़ा सवाल सरकार पर लगाया है क्योंकि आप कह रहे हैं हम सब बहनों को 1000 रूपया महीना देने वाले हैं, एक बहन ने खुलेआम कांग्रेस मंच पर जाके बात कर ली तो उसको आपने पद से हटा दिया जिस पद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका एक चूंकि वो योग्य है, उसने अपने को सिद्ध किया है इसलिए उसको आपने आगे लाए थे, अब आप सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं तो इससे मतलब साफ है कि किसी भी योजना में सरकार की नीयत साफ नहीं होगी। अगर कोई दूसरी विचारधारा दूसरे दल को समर्थन करने वाला व्यक्ति या महिला या कोई भी आता है वो सरकार में जगह नहीं पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, 9 फरवरी को जब मेघा परमार ने ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी को, उस दिन कमलनाथ जी ने एक योजना का अनाउंसमेंट किया, महिला सम्मान योजना, जिसमें कहा गया कि 1500 रूपये हर महीने हर महिला को 500 रूपये के गैस सिलेंडर के साथ दिया जाएगा। दूसरी तरफ अभी शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना चल रही है, 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है लाडली बहन योजना में, 1000 रूपये हर महीने उनको दिया जाएगा और अभी ये रोल आउट होने वाला है, इसी महीने से पैसे मिलने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो है अब महिलाओं को टारगेट बना के लड़ा जा रहा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई को छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने जो कार्यक्रम किया था उसमें उन्होंने जो ऐलान किया है, अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टूट डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी ने कहा हम 1000 रूपये देंगे,
अब इसमें कांग्रेस ने नया दांव खेला कि वो 1,500 रूपये देगी। और एक बड़ी बात है कि अगर महिला 1,000 पाती है और पोलिंग बूथ पे जाती है और उसके दिमाग में आता है कि उसे 1,500 मिलने वाले हैं, तो ये फैसला बहुत बड़ा फैसला साबित हो सकता है, हो सकता है भविष्य के गर्त में। गैस सिलेंडर एक बहुत बड़ी चीज है, 500 रूपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान राजस्थान की सरकार ने भी किया है और कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया है सर। हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया है। तो ये जो चीज, या तो अभी आने वाले दिनों में कोई मुख्यमंत्री ऐसा ऐलान करेंगे कि पहले शुरू कर दे, अन्यथा कुल मिला के ये होने वाला है कि महिलाओं को पता है कि जब ये जाएंगे वो आएंगे तो 1 के 1.5 हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मजाक भी है और बहुत बड़ी बात भी है। दूसरी चीज ये है जो आपने कही कि पूरी तरह से दोनों दल टारगेट कर रहे हैं महिलाओं को। मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर इस बार के बजट में कुल बजट 3,14,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, उसमें 1,03,000 करोड़ तक का लगभग बजट जो है महिलाओं पर रखा गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो कोशिश, वर्तमान सरकार और बीजेपी ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को अपनी ओर खींचे और महिलाओं का वोट हासिल करें। अब सवाल यह है कि कांग्रेस उसमें कितनी टांग अड़ा पाती है, क्योंकि 1 का 1,500 किया है, जो 1,160 रूपये का सिलेंडर आ रहा है उस सिलेंडर को लेके जो है वो 500 पे ले आ रहा है। अच्छा सर, क्या मतलब ये जो, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को तो ये लगेगा कि भाई ये इनको मिलेगा, लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि ये कॉपी किया है उनकी योजना को, नकल की, अपना मतलब इंडिविजुअल या अपना कोई ओरिजिनल स्कीम नहीं लाई है। ओरिजिनल का क्या है जो आप कर रहे हो, ये इस मजाक की बात है। आपने कहा हम 1 देंगे, उन्होंने कहा हम 1.5 देंगे, दोनों को कुर्सी चाहिए, ये तो कुर्सी की दौड़ है। इसमें कॉपी करने की क्या बात है। इससे पहले भी कांग्रेस के समय से जो योजनाएं चली, बहुत पुरानी योजनाएं, आपने सबके नाम बदले, योजनाएं कोई नई नहीं आई हैं, सब तरफ सब जगह की वही योजनाएं, सरकार बदलती है तो योजनाओं के नाम बदलते हैं, कोई नई योजना नहीं है। बस ये जरूर है कि इन्होंने 1,000 का कहा तो उन्होंने 1,500 का कहा, उससे ये साफ लग रहा है कि महिलाओं को केंद्रित करके ये चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, और इस बार फैसला महिलाएं करेंगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो 1 का 1.5 मिलने वाला है। तो सर महिलाएं फैसला करेंगी, डिसाइसिव महिलाएं रहेंगी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कर्नाटक का चुनाव का नतीजा आने वाला है 2 दिन बाद, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि कर्नाटक का जो असर मध्य प्रदेश पे पड़ेगा वो बहुत व्यापक असर होगा। दोनों चीजें हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री से लेकर और सभा में बीजेपी दावा कर रही है, अगर कांग्रेस हार जाती है, बीजेपी वहां जीत जाती है, तो ये समझ लीजिए कि यहां की बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन होगा, आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट कट जाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और अगर हार जाती है, अगर ये तो परसों शाम को ही पता लगेगा, एग्जिट पोल्स तो कह रहे हैं, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर होगा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की दिशा बदल जाएगी उसके बाद, क्योंकि इतनी ताकत लगाने के बाद अगर बीजेपी हारती है तो, और उसका संकेत मिलने लगा है कि जब आज मीडिया जो सर्वे कर रहा है उसमें अब हार के लिए जीत के लिए जो चेहरे आ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री या गृहमंत्री या बड़े उसका नहीं है, बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का फोटो आ रहा है, इससे संकेत है। तो बदलाव दोनों स्थितियों में होना है, सरकार वहां बनी और ना बनी, दोनों स्थितियों में मध्य प्रदेश पे व्यापक असर पड़ेगा और बड़ा बदलाव होगा। कर्नाटक चुनावों के नतीजों का मध्य प्रदेश पर व्यापक असर पड़ेगा, लेकिन जहां तक बात मेघा परमार की है, ये बात फैक्ट है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, कोई कम अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी फीट है। और यदि मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो जब तक उनको कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती तब तक उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर जरूर रख सकती थी। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।